दोस्तों, इस समय मैं कांसाबेल में हूँ और कांसाबेल पत्थलगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है। और आप जान रहे हैं कि इस समय चुनाव का सरगर्मी शुरू हो चुका है और लोगों की ज़ुबान में बस एक ही चीज़ सुनने को मिल रहा है कि अब की बार किसकी सरकार। तो दोस्तों, इस समय मैं यहाँ, हमारे पास में कुछ लोग मौजूद हैं, हम लोग जानना चाहेंगे और मैं उनसे यही सवाल करूँगा कि अब की बार किसकी सरकार, इस बार किसकी सरकार, भाजपा, कांग्रेस या कोई और? भाजपा। भाजपा जी। अच्छा, भाजपा से आप बहुत खुश हैं? मतलब खुश है। क्या नाम है आपका? अतुल पटेल। पटेल जी, अब की बार किसका सरकार लग रहा है आपका? मेरे को तो सर इसका सरकार तो अनुमान लग रहा होगा ना, भाजपा का ही लग रहा है मेरे को इस बार। भाजपा का ही लग रहा है। चंदू। अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार। हम कांग्रेस में देते हैं और कांग्रेस को ही देंगे। सर, अब की बार किसकी सरकार? कांग्रेस। 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 अब बताइए, आपकी बार किसकी सरकार? एपी। आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। झाड़ू छाप है अपना। अच्छा अच्छा, झाड़ू छाप। तो दोस्तों, हमारे सामने में कद्दावर नेता रमेश जी खड़े हैं और आज मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि अब की बार किसका सरकार बनने वाला है। हाँ सर, आपको जय मूल निवासी, हमारे प्रत्याशी को विजय कराने का अपील करूँगा। हमारे पत्थलगांव विधानसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी खटिया छाप से श्री सुनील खलको जी खड़े हुए हैं। वे मूल निवासियों को राज दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आज जब भी छोटा चुनाव जब लड़ते हैं, सरपंच चुनाव वगैरह लड़ते हैं, तो लोग कहते हैं कि आप इस गांव के खूटा काटा हो कि नहीं, आप इस गांव के मूल निवासी हो कि नहीं। जब पता चलता है कि हम मूल निवासी कहते हैं, तो हमारे पूर्वज के लोग जो मूल निवासी होता है उसे ही सरपंच बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भारत के मूल निवासी हैं। डीएनए के आधार पर हम लोग 21 मई 2000 मूल निवासी साबित हो गए हैं, क्योंकि माइकल बाम साहब ने सिद्ध किया कि हम भारत के मूल निवासी हैं। 21 मई 2001 को उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से 25 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि एसटी एससी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग भारत देश के मूल निवासी हैं। और हम वावन मेश्राम के अगुवाई पर पूरे भारत देश में मूल निवासी नायक, जो भारत के मूल निवासियों को राज करने के लिए आह्वान कर रहे हैं, भारत देश में आज जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो भारतीय नहीं, विदेशी जनता पार्टी है, विदेशी कांग्रेस पार्टी है, जो हमारे लोग नहीं जानने के कारण से उसको हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, भारतीय कांग्रेस पार्टी कहते हैं, लेकिन ये विदेशी कांग्रेस पार्टी और विदेशी पार्टी है, जो भारत देश के रहने वाले ब्राह्मण 21 मई 2001 को उनको सिद्ध कर दिया कि भारत देश में ये विदेशी हैं। इनका डीएनए यूरेशियन का है, ये भारत देश के रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, सभी समस्त मूल निवासियों को कहना चाहते हैं कि अब मूल निवासियों की सरकार लानी है, तो मूल निवासियों हमारा प्रत्याशी खड़ा हुआ है सुनील खलखो जी, उनको एकदम उनको वोट देकर भारी मतों से विजय बनाइए। यदि अगर इसको हम विजय बनाते हैं, तो हमारे खेतों में जो नहर की बनी हुई है, आज तक खेतों को नहर का पानी नहीं दिया, नहर बनाया है, किसानों का जमीन लिया है, लेकिन पानी नहीं दिया है। आज 15 साल से कांसाबेल क्षेत्र की नहर बंद है, उसमें पानी नहीं आ रहा है। पारी पारी से दोनों विदेशी पार्टियों ने किसानों को कमज़ोर बनाकर आज सोसाइटी में 1 रुपया चावल और 2 रुपया चावल खाने के लिए मजबूर कर दिया है। हम आगामी समय में चावल योजना बंद करके 2000 रुपये प्रत्येक गरीबी रेखा के कार्ड में मिलेगा और सभी के
किसान के नहर हुआ है उसे पानी बहाया जाएगा और रवि फसल तक का व्यवस्था किया जाएगा। हमारा पहली प्राथमिकता होगा कि हम सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र के मूल निवासी किसानों को मजबूत करेंगे, उनकी स्वाभिमानी और सम्मान की रक्षा के लिए हम उनको पानी देंगे, ना कि हम उनको भीख देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि ऋण माफ़ी से कुछ नहीं होता, ऋण माफ़ी करने से कोई आदमी आगे बढ़ नहीं जाता, इसलिए हमको साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, ताकि हम रवि फसल करें, खरीफ फसल करें। ये सब योजना बहुत जल्द बहुजन मुक्ति पार्टी लेके आने वाली है साथियों। और साथ में ये भी कहूँगा कि हम लोग पहले सीना चौड़ा कर लें कि हम भारत के मूल निवासी हैं, आगामी समय में मूल निवासी, जय मूल निवासी, जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी, ये सीने में आवाज़ उठनी चाहिए। ये अगर जनता को जागरूक हो जाए कि हम भारत के मूल निवासी हैं, पूरे मनुवादी पार्टी धराशायी हो जाएगा। जो हमारे ही आदमी उनको चुनाव हमारे रिश्तेदार को विधायक बनाते हैं और उन्हीं का कमियां बन जाता है, कमियां इसलिए बन जाता है क्योंकि वो पूना पैक्ट में गुलाम बन जाता है। महात्मा गांधी जी ने पूना पैक्ट लगाकर हमारे विधायक को कमियां बना दिया है। इसको बहुत जल्द लोकसभा में हमारे सांसद बनेंगे, सर्वप्रथम पूना पैक्ट को हटाकर एसटी और एससी को आज़ाद करेंगे, ताकि हमारे 131 सांसद हैं जो भारत देश में मूल निवासियों की सुरक्षा और स्वाभिमान सम्मान के लिए काम करेंगे और पिछड़े वर्ग के लोगों को सरासर गिनती होगा और उनके अनुसार हिस्सेदारी मिलेगी। मैं इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। जय मूल निवासी, जय छत्तीसगढ़।